और ये राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता तब। और आज फिर से हमें लगता है भगवान राम के प्रतीक हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी दोबारा मजबूती के साथ देश की सेवा करने के लिए वो आ गए हैं और ये अदानी और अंबानी की आवाज़ बनेंगे राहुल जी, गरीब की आवाज़ बनेंगे राहुल जी, सदन में भी बनेंगे। अगर राहुल गांधी जी अगर अदानी अंबानी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो उनकी सहजता नहीं जाती। आज मैं कहना चाहता हूँ राहुल जी की विजय पूंजीपतियों की हार है और बीजेपी की हार है, याद रखिएगा। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा वाले सुन लो, ये सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट आया है ये असत्य पर सत्य की जीत, जनता की जीत है, एक एक लोगों की जीत है, गरीब लोगों की जीत है और देश में पूरा जश्न मन रहा है। आप क्या सोचिए गांधी परिवार को क्या कुचल दीजिएगा, इतना है हिम्मत आप लोग में? आज हिंदुस्तान अगर खड़ा है, आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, आज सारे मीडिया वाले अगर आप लोग दिखा रहे हैं, ये गांधी परिवार का देश है। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ से मोबाइल नहीं होता। राजीव गांधी, ये राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ, स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है, स्वर्गीय राजीव गांधी बोल रहा हूँ, गलत सुन रहे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है, ये कैमरा भी राजीव जी की देन है, आप लोग भी राजीव जी की देन है, और मोदी जी जो सेल्फी ले रहे हैं ना ये भी स्वर्गीय राजीव जी की देन है। तो मैं कहना चाहता हूँ देखिए आज इतना खुशी हुई है और भारत जोड़ो यात्रा अगर नहीं होता ना तो ये लोग राहुल जी को ये नहीं करते। फिर से मैं कहूँगा भारत जोड़ो यात्रा फिर से चलेगा। राहत क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सदन में शामिल होंगे, सदन में शामिल होंगे।